आप सबने समुद्र में या वाटर पार्क में या टीवी पर आ रहे किसी वाटर शो में अठखेलियां करती डॉल्फिन्स को जरूर देखा होगा। इन डॉल्फिन्स को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो तरह तरह के करतब दिखाती हैं और दर्शकों का मनोरंजन करती हैं। यूं तो ये बेहद ही शांत प्रवृत्ति की होती हैं और बड़ी बुद्धिमान प्रजाति होती हैं, लेकिन मनुष्यों की तमाम गतिविधियों की वजह से कभी कभी इनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज डॉल्फिन की बात क्यों की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में हुए एक रिसर्च के मुताबिक समुद्र या विभिन्न जलराशियों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण से इन डॉल्फिन्स के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला है। हम इंसानों द्वारा विकास के नाम पर फैलाए गए इस प्रदूषण से सभी जीव परेशान हो रहे हैं। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूँ आपको। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉल्फिन से जुड़े एक नए रिसर्च की। दरअसल हाल ही में पिछले हफ्ते करंट बायोलॉजी में एंथ्रोपोजेनिक नाइस इम्पेयर्स कोऑपरेशन इन बॉटल नोज डॉल्फिन नाम से एक जर्नल प्रकाशित हुआ था। इस जर्नल में बताया गया कि दो डॉल्फिन्स पर रिसर्च किया गया है। इन डॉल्फिन्स को डेल्टा और रीस नाम दिया गया था। रिसर्च के लिए इन डॉल्फिन्स को एक लैगून में छोड़ दिया गया था। इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इन पर रिकॉर्डिंग टैग्स लगाए गए थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब इस लैगून में अलग अलग आवृत्ति की यानी फ्रिक्वेंसीज की ध्वनियाँ यानी साउंड्स उत्पन्न की गई पैदा की गई तो इन डॉल्फिन्स के व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगा। पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता एक सीमा से अधिक होने पर डॉल्फिन्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होने लगी और उन्हें अपने आवाज़ की तीव्रता बढ़ानी पड़ी। इसके अलावा उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के और नज़दीक आना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें एक दूसरे की बात समझने में समस्या हो रही थी। लगभग 200 बार इन डॉल्फिन्स पर इस तरह का शोध किया गया, तब रिसर्चर्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि समुद्र में या बड़ी नदियों में चलने वाले समुद्री जहाजों, युद्धपोतों या सोनार से ध्वनियाँ जो उत्पन्न होती हैं, जो पैदा होती हैं, वो इन जीवों के व्यवहार में परिवर्तन ला रही हैं और इनके जीवन के लिए कठिनाई पैदा कर रही हैं। हालांकि यह हाल सिर्फ डॉल्फिन्स का ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे जलीय जीव समुद्र में इंसानों के हस्तक्षेप की वजह से, दखलंदाजी की वजह से परेशान हैं। समुद्र में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण की वजह से जलीय जीवों की बॉडी लैंग्वेज और कार्यप्रणाली में चेंजेज हो रहे हैं। इसके अलावा समुद्री जहाजों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से अक्सर बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलता है। साल 2021 में उत्तरी जापान के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज समुद्र तट से टकराकर दो हिस्सों में टूट गया था, जिससे 24 किलोमीटर तक तकरीबन समुद्र की सतह पर तेल फैल गया था और हजारों मछलियों की मौत हो गई थी। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर समुद्री जैव विविधता को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं और बढ़ते प्रदूषण के चलते किसी भी तरह के जलवायु संकट के आने पर सबसे पहले समुद्री पारितंत्र को ही प्रभावित करती हैं। इसके अलावा द गार्जियन ने बताया कि हाल ही में लॉन्च किया गया MV गंगा विलास क्रूज, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों के साथ लगभग 50 पर्यटक और विरासत स्थलों पर रुकेगा, गंगा नदी डॉल्फिन्स के आवास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है जो पहले से ही संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हमें इन जलीय जीवों और समुद्री पारितंत्र के प्रति और अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।